जी इन पायों के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रहे हैं ये भाई इधर जो है ना जी कारीगर हैं। ये देखें जी ये इधर डिज़ाइन बना रहे हैं। ये देखें जी ये इनका सारा काम जो है ये हैंडमेड है जी, हाथ के साथ जो है ना जी। इधर ये देखें ये मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार हो रहे हैं, ये पाए जो हैं ये तैयार हो रहे हैं जी। बहुत मेहनत वाला काम है जी, बहुत प्यारा काम है इनका ये। इस काम के लिए आपकी तरफ से जो है ना जी कम से कम एक तो जो है ना जी लाइक बनता ही है इनके काम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हैप्पी व्लॉग में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। ये जनाब आज हम आपको एक कारखाने में लेकर आए हैं जी, यहाँ पर जो है ना चार पाइयाँ कैसे तैयार की जाती हैं तो इसके ऊपर आज का हमारा व्लॉग है। ये देख रहे हैं जी ये सामने चार पाइयों के पाए पड़े हुए हैं तो आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पर बहुत ही जो है जी कार हम चीज़ें बांध रही हैं चार पाइयों के हिसाब से, मैं आपको दिखाता हूँ जी सारा हमारा आज का व्लॉग है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो जो है ना जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि चार पाइयाँ कैसे तैयार की जाती हैं। ये देखें जी ये चार पाई का एक होल पड़ा हुआ है, ये कैसे तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये चार पाई का एक होल इन्होंने बना रखा हुआ ढांचा जिसे आप कह सकते हैं, तो ये कैसे तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ जी। बेसिकली काम जो पहले सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ना जी वो मैं आपको बता दूँ कि ये इस लकड़ी के बड़े बड़े जो है ना जी मुठों के से ये काम स्टार्ट होता है। ये देखें जी मुठ है एक लकड़ी की बहुत बड़ी, ये देखें जी मैं आपको दिखा दूँ शायद जो है ना जी आपको सही पता चल सके या आइडिया हो सके। ये लकड़ी की बहुत बड़ी मुठ है तो चौरस मुठ है, इससे जो है ना जी ये काम स्टार्ट होता है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुठ ली जाती है और फिर इसकी कटाई की जाती है, इसको जो है ना जी एक शक्ल में तरतीब में दिया जाता है। ये देखिए जी ये वो आ रहा मशीन है जहाँ पर जो है ना ये लकड़ी का काम किया जाता है और जो है जी इसके ऊपर जो है ना जी चारपाई के पाए वगैरह जो हैं ये तैयार किए जाते हैं। और फट्टे जो हैं इनको जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, इनकी जो है ना बनावट बनाई जाती है, इनको इनकी कटाई की जाती है और इसको जो है ना जी गोल शेप में बनाया जाता है। इन चकोर तख्तों को जो है ना जी ये देख रहे हैं ये लगे हुए हैं इधर, इनकी स्टॉक में रखे हुए इन्होंने काफ़ी सारे चकोर तख्ते, तो इसको जो है ना इसकी बनावट की जाती है। ये देखें जी ये चकोर तख्ते जो है ये निकाल के जो है ना इनकी जो है ना ये फिर बनावट बनाएंगे, इनको गोल करेंगे जी गोल। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये गोल कैसे होते हैं। ये देखें जी इससे अगला स्टेप जो है वो इस तरह का जो है ना ये डंडा जो है ना ये बना देते हैं, ये इस तरह का पाए को इस शक्ल में ये ले आते हैं। बेसिकली वो पायों का तख्ता था, ये पाए जो है इस शक्ल में आ जाते हैं। ये देखें जी इन पायों के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रहे हैं ये भाई इधर जो है ना जी कारीगर हैं। ये देखें जी ये इधर डिज़ाइन बना रहे हैं। ये देखें जी ये इनका सारा काम जो है ये हैंडमेड है जी, हाथ के साथ जो है ना जी। इधर ये देखें ये मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार हो रहे हैं चार पाई के पाओं के, ये पाए जो हैं ये तैयार हो रहे हैं जी। बहुत मेहनत वाला काम है जी, बहुत प्यारा काम है इनका ये। इस काम के लिए आपकी तरफ से जो है ना जी कम से कम एक तो जो है ना जी लाइक बनता ही है इनके काम के लिए। ये देखिए ये छेनी और जो है ना जी हथौड़ों के साथ ये कैसे जो है इसको डिज़ाइन बनाकर इसको जो है ना जी फाइनलाइज कर रही है। तो देखिए जी ये इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ पाए जो हैं चार पाई के ये फाइनलाइज करके यहाँ पर रख दिए हुए हैं, यहाँ पर चार पाइयों के पाए तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर डिज़ाइन भी बन गए हुए हैं, इनकी जो है ना जी शक्ल भी निकल आई है पाए की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इनके डिज़ाइन वगैरह जो है शक्ल फाइनलाइज होकर निकल आई है। ये देखें जी ये बहुत प्यारे पाए लग रहे हैं, इधर सारे बन के तैयार हो पड़े हैं। अब इनको जो है ना जी फाइनल कलर के लिए आगे इन्होंने फाइनल कलर करना है इसके ऊपर, बाकी इनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी सारे यहाँ पर रखे हुए हैं जी,
तो जो है ना जी मुख्तलिफ शेप में मुख्तलिफ शक्लों के ये फाये बनाकर जो है ना जी इन्होंने इधर रखे हुए हैं। डिज़ाइन जो है ये भाई बना रहे हैं, ये फाइनलाइज हो करना जी ये शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस शक्ल का हो जाता है जी। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है जी। इसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं, मुख्तलिफ कलर किए हुए हैं, रेड कलर किया हुआ, ब्लैक कलर, और जो है ना जी इसके ऊपर येलो कलर का कम्बिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी। ये जनाब हाथ का कमाल होता है, हाथ का फन होता है, इसलिए जो है ना जी आपको लेकर आते हैं चीज़ें दिखाने के लिए। ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे पहले किसी ने नहीं दिखाई होंगी, तो ये चीज़ें हैंडमेड होती हैं, तो इस पर मेहनत बहुत होती है, कारीगरी होती है, इनका कमाल होता है जी। ये जो हमारे कारीगर बैक एंड पे काम करते हैं जी, ये पाकिस्तान का एक तरह का जो है ना जी इनकी हमारी पाकिस्तानी सकाफत का एक हिस्सा है। इनकी मेहनत जो है, इनकी लेबर जो है, ये बहुत हमारे लिए जो है ना जी कारआमद साबित होती है। बाहर के मुल्कों में हमारी चीज़ें जाती हैं और हमारे मुल्क की जो है ना जी वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा होता है जी। ये देखें जी ये भाई जो है ना जी इसको पहले एक तरतीब दे के सीधा करते हैं इस डंडे को। ये देखें जी इसे चारपाई का सिरू कहते हैं जी। ये चारपाई जहाँ से स्टार्ट होती है वो ये डिज़ाइन कर रहे हैं। ये इनका फन देख रहे हैं, ये हाथ का कमाल है जी इनका। और ये थोड़े से इक्विपमेंट के साथ, कैसी सफाई के साथ जो है ना जी ये इसको डिज़ाइन दे रहे हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी कितना प्यारे डिज़ाइन में तब्दील हो गया है। ये शुरू में एक लकड़ी का डंडा था और इन्होंने इसको जो है ना जी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दे दिया। ये देखिए जी अभी उसके ऊपर कलरिंग कर रहे हैं। ये देखिए जी कलर कर रहे हैं रेड कलर का, कितना प्यारा कलर हो रहा है। ये देखें जी ये इसका डिज़ाइन है तकरीबन, ये डिज़ाइन बना रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें जी ये डिज़ाइन बन रहा है इसके ऊपर, कितना खूबसूरत। ये इनकी कलर स्कीम होती है जी रेड कलर की, ये ऊपर रेड कलर कर रहे हैं। ये अब इसके ऊपर जो है ना जी ग्रीन कलर इन्होंने किया है, ग्रीन कलर किया है। ये अब वाइट कलर कर रहे हैं इसके ऊपर, ये वाइट कलर हुआ जी इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन इन्होंने दिया यहाँ पर वाइट कलर का। ये ब्लैक कलर हुआ है। ये देखें जी कितना प्यारा डिज़ाइन, कितना खूबसूरत खुशकल डिज़ाइन बन गई ये चारपाई का एक सिरे से। देखिए जी अब कलर का सिस्टम शुरू हो चुका है, ये कलरिंग कर रहे हैं यहाँ पर कारीगर रेड कलर में जो है ना जी इसको खूबसूरत डिज़ाइन दे रहे हैं रेड कलर में। ये देखें जी ये इनके हाथ की कारीगरी देखें जी, कैसे इनके हाथ चलते हैं और अपने आप डिज़ाइन ये बनते जाते हैं जी, अपने आप कलर्स बनते जाते हैं, डिज़ाइन बनते जाते हैं। ये इनका कमाल है जी इनके हाथों का, ये इनका फन है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये फ़न और ये काम आपको कैसा लगा है, आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जी। ये देखिए जी ये तैयार करके रख रहे हैं नीचे, इसकी इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, ये तैयार करके रख रहे हैं इधर। ये देखिए जी इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं, तैयार किए हुए। ये जो है जी चार पाइयों की साइडें जो हैं फ्रंट वाली, ये इन्होंने तैयार करके यहाँ पर रखी हुई है। इसका मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, ये देख लो अच्छी तरह से जो है इधर इन्होंने फाइनल करके रखी हुई है। ये मैं आपको व्यू दे दूँगी चार पाई का, ये चार साइडें जो है मुकम्मल तौर पर इन्होंने फाइनल कर ली हुई हैं और ये चार पाई जो है ना जी तैयार हो के यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। मुकम्मल तैयारी है जी चार पाई की, चारों साइडें जो हैं जी इसकी तैयार हो बुनने के लिए सिर्फ रह गए, बाकी मुकम्मल तौर पर चार पाई तैयार है जी। ये देखेंगे ये चार पाई मुकम्मल तैयार हुई खड़ी है, तो इसकी जो है ना सिर्फ बुनाई बाकी रह गई है, बाकी जो है ना हर चीज़ की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ बुनाई होने रहेगी बताया जाए इसकी जो है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।